Hello, good morning students. I hope you are well and good at your home. Today, we are going to discuss about another defect in solids. In the previous sections, we have discussed about the defects, interstitial, Frankel, Schottky. In the previous assignment, we have discussed about metal excess defect. Today, we'll discuss about metal deficiency defect. Metal deficiency, as the name indicates. Metal deficiency, yani ke cation ki deficiency ho rahi hai, cation kam ho raha hai. Okay. So, metal deficiency defect can be explained very easily. Let us see with this example. Suppose, if we say the definition in that case, if you want the definition of metal deficiency defect, so we can say that in this type of defect, the cation is missing. The cation is missing from its lattice site. Okay? To maintain that electrical neutrality of cation, a cation of higher charge is placed at a neighboring lattice site. Means, एक कैटाइन अपनी पोजीशन से निकल जाता है और उसकी न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल को स्टेबल रखने के लिए, जो एक और कैटाइन है जो हायर चार्ज का है वो एक और लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है. ओके, नाउ लेट अस सी दिस विद दिस एग्जांपल. सपोज आई हैव अ ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल. Okay, so this is the lattice site. Suppose this is A positive, this is B negative, A positive, B negative, negative, positive, B negative, A positive, A positive, B negative. Suppose this thing is limit B9, B negative, then this is B negative, positive, B negative, A positive. Now see, here it is a cationic vacancy. This is a cationic vacancy. Okay. तो cation वहां से निकल गया. ठीक है. अब crystal को electrically neutral भी बनाना है. तो उसकी जगह क्या आ जाता है? एक higher charge का cation आ जाता है. Just suppose इस lattice point पे क्या आ जाएगा? A two positive आ जाएगा. Means higher cation हो गया, higher charge का cation हो गया. Now electrical neutrality भी बनी रहेगी. ठीक है. एक्चुअली देखा जाए तो ये एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट है, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट होती है. ठीक है. और दूसरी साइड पे क्या हो गया? एक्स्ट्रा कैटाइन आ जाता है. मतलब एक्स्ट्रा कैटाइन इन द सेंस हायर चार्ज का कैटाइन आ जाता है. तो इस तरह क्या हुआ? मेटल जो कैटाइन है उसकी डिफिशियंसी होगी, कम हो गया वो. ठीक है. सो इसको हम क्या बोलते हैं? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बोलते हैं. ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर ही आता है. जैसे स्टार्टिंग में भी हमने एग्जांपल दिया था, जब उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की हमने डेफिनेशन डिस्कस की, उस समय हमने एग्जांपल भी लिया था इसका. फिर से हम एग्जांपल लेते हैं. टेक एन एग्जांपल ऑफ एफ ई ओ. जैसा मैंने प्रीवियस सेक्शन में भी बताया था आपको कि एफ ई ओ का जो रेशियो है, जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, इट इज नॉट 1:1 एज इट इज सीन इन द फॉर्मूला. इट इज 1:1 बट इट इज प्रैक्टिकल इट इज नॉट 1:1. इट इज क्या होता है वो? एफ ई 0.94 to 0.95 something, 96 something हो सकता है. ओ ये होता है. सो इट इज प्योरली, इट इज नॉट वन रेशो में, 1:1 का रेशो नहीं है. देयर इज नो 1:1 रेशो. ओके, ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का एग्जांपल है. अब देखिए एफईओ में ये जो कमी है आयरन की, ये कैसे, कहां, क्या होता है? लेट अस सी विद दिस एग्जांपल ओनली. अब मैं यहां से ये हटा देता हूं, इनको हटा देंगे. यहां पे हम लिखते हैं कैटाइन आ जाएगा एफ ई टू पॉजिटिव, एंड आयन आ जाएगा ओ टू नेगेटिव. सो कैटाइन है एफ ई टू पॉजिटिव, एंड आयन है यहाँ पर ओ टू नेगेटिव. सेम वही चेंज कर देंगे सबको. जस्ट चेंज दिस थिंग. So this is O2 negative, Fe2 positive, O2 negative, Fe2 positive,
A2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, इज O2 नेगेटिव, दिस इज O2 नेगेटिव, Fe3 पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, और ये O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव. ओके, नाउ हेयर द कैटायनिक वैकेंसी इज देयर. Fe2 पॉजिटिव निकल गया अपनी लेटेस्ट साइड से. नाउ Fe2 पॉजिटिव इज मिसिंग, उसकी जगह क्या आ गया है, Fe3 पॉजिटिव ने नेबरिंग जो लेटेस्ट साइट है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है. हेयर यू कैन सी दिस इज द केटाइन विद हायर चार्ज, हायर चार्ज का केटाइन यहां पे आ गया, यानी Fe3 पॉजिटिव यहां पे आ गया है. तो इलेक्ट्रिकल तो क्रिस्टल न्यूट्रल हो गया, ठीक है, बट वैकेंसी तो क्रिएट हुई है, तो केटाइनिक वैकेंसी आ गई Fe2 पॉजिटिव की, और यहां पे क्या आ गया, केटाइन आ गया Fe3 पॉजिटिव. तो मेटल जो केटाइन था हमारा जिससे कंपाउंड बना है, कंपाउंड किससे बना है, Fe2 पॉजिटिव से बना है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया. बट उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए क्रिस्टल के अंदर क्या आ गया है, Fe3 पॉजिटिव आ गया है. सो लाइक दिस मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है. दिस इज ऑल अबाउट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. इन एग्जाम्पल हमने लिया है FeO, और ये रीजन है कि यहाँ पे 0.94 या 95 या 96 जैसे हो जाता है. ये 94, 95, 96 या 93 से आप शुरू कर सकते हैं, वो भी रेशियो यहाँ पे देखा जाता है, 0.93 से भी शुरू होता है. तो ये क्यों हुआ, 0.93 क्यों आ गया, बिकॉज Fe2 पॉजिटिव की जगह क्या आ गए, Fe3 पॉजिटिव आ गए. Fe2 पॉजिटिव कम हो गए तो उसकी जगह क्या गया, Fe3 पॉजिटिव आ गया. तो ऑटोमेटिकली ये चीज Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या चार्ज था, 2 पॉजिटिव, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया है, क्योंकि वो निकल गया लेटेस्ट साइड से. और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को किसने मेंटेन किया, Fe3 पॉजिटिव ने मेंटेन कर लिया है. दिस इज अबाउट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, वी से इट एज. सो इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर, सो वी कैन कॉल अ डेट विद दिस. हम इसको दोबारा से भी डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन हैव डाउट, सो वी कैन क्लैरिफाई दैट डाउट. थैंक यू चिल्ड्रन.